गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का द्वितीय अध्याय, जो कि एक कश्मीरी कवित्री ललदेत के द्वारा लिखा गया है। कश्मीर में जो वाणी शब्द या कथन होता है उसे वाक्य कहा जाता है। यह चार पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गेय रचना मानी जाती है। पाठ से पूर्व मैं आपको उस कवित्री के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेत को लल्लेश्वरी, लला, लल्योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेत की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेत के वाक् प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्ों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा अर्थात संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। ललदेत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया है। इसलिए संत कवियों की तरह उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं उनके वाक के बारे में। कवित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, किंतु उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसके हृदय में एक तड़प से उठती है। वो मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी अथवा तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। वह शिव तो कण कण में बसता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ही यहाँ ललदेत के चार वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला वाक्य जो है, इस वाक में ललदेत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। और उस व्यर्थता की चर्चा करते हुए कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ के घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर,
कच्चा सकोरा, यानी सकोरा जानते हो आप, मिट्टी के गिलास होते थे जिनमें लस्सी वगैरह दी जाती थी पुराने ज़माने में, उन्हीं में पानी पिया जाता था। तो कच्चा सकोरा अर्थात क्षणभंगुर जीवन। हूँक, हूँक यानी तड़प या वेदना। अब बात करते हैं हम इस वाक के बारे में कि रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी किसको कहा है यहाँ पर? सांसों को, कि मनुष्य की जो सांसों रूपी रस्सी है वो किससे बनी हुई है? कच्चे धागे से बनी हुई है। और खींच रही मैं नाव, नाव किसको कहा है यहाँ पर? जीवन को। नाव कहा है जीवन को, नाव का मतलब है जीवन। तो क्या कहा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मेरी ये जो सांसों रूपी रस्सी है ये कच्चे धागे से बनी हुई है, जिससे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को, जीवन रूपी नौका को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। उसके बाद कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। कि वो देव, वो परमात्मा, वो ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी वो परमात्मा मेरी पुकार को जाने कब सुनेगा, और करे देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से कब वो पार उतारेगा, अर्थात मेरा बेड़ा पार लगाएगा। अब उसके बाद कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरा। कच्चा सकोरा मिट्टी का पात्र है ना, ये जीवन क्या है? कच्चे सकोरे के समान है। तो क्या कहा, अब इसमें से कौन सा पानी टपक रहा है? आयु रूपी पानी। तो क्या कहा, पानी टपके कच्चे सकोरे, कि मेरा ये जो शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, मेरा जो जीवन रूपी कच्चा सकोरा है, शरीर रूपी जो कच्चा सकोरा है, इसमें से आयु का रूपी जल दिनों दिन टपकता जा रहा है, पल पल टपकता जा रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है और मृत्यु निकट आती जा रही है, और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मैं जो परमात्मा की प्राप्ति के प्रयास कर रही हूँ वो प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। इसलिए जी में, यानी जी यानी हृदय में उठती रह रह हूँक, कि मेरे जी में यानी मेरे हृदय में रह रह करके एक ही हूँक उठती है, एक ही तड़प उठती है, एक ही पीड़ा उठती है, एक ही वेदना उठती है कि घर जाने की चाह है गिरे, कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब वो अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भौसा घर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। तो क्या कहा देखो, कि मेरे सांसों रूपी रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है, जिससे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसी स्थिति में वो परमात्मा न जाने कब मेरी पुकार को सुनेगा, और वो परमात्मा, वो ईश्वर कब मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारेगा। मेरे शरीर रूपी, जीवन रूपी कच्चे सकोरे से आयु रूपी जल पल पल टपकता जा रहा है, अर्थात जीवन निरंतर नष्ट होता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, उस प्रभु मिलन के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, वो सब प्रयास मेरे व्यर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए जी में उठती रह रह हूँ, कि मेरे हृदय में रह रह करके एक ही हूँ, एक ही वेदना, एक ही पीड़ा प्रकट होती है, घर जाने की चाह गिरे, कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अर्थात मैं परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, मैं परमात्मा से मिलना चाहती हूँ, वो प्रभु न जाने मुझे कब मिलेंगे। अब देखिए आगे दूसरा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर देखिए अहंकार यानी घमंड, न खाकर यानी भोगों के ऊपर संयम रखकर, सम यानी अंतकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम रखना, मतलब अपने मन में और ये जो हमारी इंद्रियाँ हैं इन पर नियंत्रण रखना, समभावी यानी समानता की भावना रखने वाले, संभावी। उसके बाद सांकल यानी कुंडी, जिसे आप कहते हो, क्या कहा, संसार के मनुष्य को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि हे सांसारिक मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि तू संसार में
खा खा कर, अर्थात किनको खाने की बात कही है, यहाँ सांसारिक सुखों को, भोगों को भोग करके तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ से मतलब ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो कवित्री क्या कहती है कि संसार के मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि इन भोगों से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, इन भोगों को खा करके तुझे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है, और न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर तू इन भोगों को छोड़ देता है, इन भोगों का पूर्ण त्याग कर देता है, तो तू क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। अर्थात तेरे मन में क्या आएगा, अहंकार का भाव आ जाएगा। कौन से अहंकार का, तप और त्याग का, कि मैं मुझसे बड़ा त्यागी और तपस्वी कोई भी नहीं है। इसलिए कवित्री क्या कहती है कि लेकिन इन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर, क्योंकि इससे मन में क्या होगा, तेरे तप और त्याग का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तू क्या कर, भोग और त्याग में उचित संतुलन रख। उसके बाद क्या कहा, सम खा तभी होगा संभावी, कि तू अपनी इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग अपनाकर चल। अर्थात मध्यम मार्ग क्या बताया है, सम खा यानी समानता का भाव रखना, किसमें, भोग में और त्याग में। और इस समानता के भाव को रखेगा तब किसकी प्राप्ति होगी, तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, कि तेरे प्रभु की प्राप्ति का जो मार्ग बंद पड़ा है वो मार्ग खुल जाएगा, वो कुंडी खुल जाएगी, वो साकल खुल जाएगी और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। इसलिए कहा कि समखा तभी होगा संभव। इसलिए तू क्या कर, भोग और त्याग के बीच में समखा यानी समानता के मार्ग को स्वीकार कर, तभी तू क्या बन पाएगा, समभावी बन पाएगा। अर्थात अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर तू उचित संयम और नियंत्रण रख और मध्यम मार्ग को अपनाकर चल, और इसी सम की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के तेरे लिए जो बंद द्वार हैं वो सब खुल जाएंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। क्योंकि भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को क्या समझने लगता है, बहुत बड़ा त्यागी महात्मा समझने लगता है, और इसी से उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। तो उस अहंकार पर नियंत्रण रखने की बात और समानता के भाव को धारण करने की बात तथा सांसारिक भोगों में पूरी तरह से लिप्त न होने की बात इस पद में कवित्री के द्वारा कही गई है। इसलिए ये सांसारिक मनुष्यों, हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न तो ज़्यादा भोग विलास में डूबना चाहिए, न पूरी तरह से त्याग और तपस्या में लीन होना चाहिए, ऐसा इस कवित्री का मानना है। क्योंकि जब हम समानता का भाव धारण करेंगे तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, या परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग हमारे लिए बंद पड़ा है उस बंद द्वार की साकल भी खुल जाएगी। धन्यवाद।